हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नाइट टाइटंस का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लैकेस्ट नाइट टैग के जरिए आप इससे पहले की वीडियोस और इसके बाद के आने वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे यूनिक और अनोखे कंटेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटंस टावर में डोना ट्रॉय को, जो कि अपने बच्चे को देख रही थी, और टेरी उसे अपना बच्चा देते हुए कह रहा था, मैंने इसे कहा था कि मौत भी हम लोगों को जुदा नहीं कर सकती एक दूसरे से। और जब वो अपने बच्चे को लेती है तब वो कहती है, मुझे इस पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, लगता है जैसे कि ये एक सपना है। और तभी वो बच्चा डोना ट्रॉय को काट लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन टावर के बाहर बीच पर, जहाँ पर ओमन से स्टारफायर और साइबॉग दोनों लड़ रहे थे, जहाँ पर वो उसके कई सारे क्लोन्स देखते हैं, जिस पर स्टारफायर कहती है, मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिस पर साइबॉग कहता है, इसमें समझना क्या है, किसी ने उसकी टेलीपैथिक पावर्स को पजेस कर लिया है और इसी की वजह से उसने हमारा माइंड मैनिपुलेट करके हमें ये सब दिखा रही है। जिस पर वो उनसे कहती है कि मैंने अपनी पावर्स को मैनिपुलेट करने के लिए तुम्हें ज्वाइन किया था विक, लेकिन टाइटन्स के कुछ अपने ही एजेंट आज थे और तुमने मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट किया। मुझे लगा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे पेरेंट्स और मेरे पावर्स को समझने में, लेकिन ऐसा नहीं था। और यहाँ पर साइबॉर्ग अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी टेलीपैथिक पावर को रोक देता है और एक ही पंच में उसे दूर गिरा देता है। यहाँ पर दूसरी तरफ टारा बीस्ट बॉय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पर वो देखती है कि उसका कलर स्पेक्ट्रम लव, फियर, रेज और होप से भरा हुआ था। और वो उसे देख ही रही थी कि तभी वो उसके आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और आगे वो उसकी तरफ अर्थ के और ड्रोन के कुछ टुकड़े फेंकते हुए कहती है, तुम काफी चालाक इंसान हो, है ना। जिस पर बीस्ट बॉय कहता है, नहीं, मैं चालाक तो नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त मैं नेवला हूँ। और अपने फॉर्म को चेंज करते हुए वो उस पर हमला कर रहा था और एक एलिफेंट का फॉर्म लेकर वो कहता है, तुम मुझे बताओगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिस पर वो उसे मारते हुए कहती है, इसमें बताना क्या है, मैं वही लेने आया हूँ जो मेरा है, मुझे तुम्हारा हार्ट चाहिए। लेकिन वो उसे मार पाती इससे पहले ही स्टारफायर पीछे से आकर उसे चला देती है और गार यानी कि बीस्ट बॉय से कहती है, वो तुम्हें मार रही थी गार, इस वजह से मुझे उसे मारना पड़ा, उसकी दुश्मनी की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। इस पर बीस्ट बॉय कहता है, हाँ उसके बारे में भूल जाओ, मुझे पता है कि तुमने एक सही चीज की। और वो दोनों ही विक की तरफ बढ़ते है जो कि अब पूरी तरह से ओमन के कंट्रोल में जा चुका था। दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हॉक यानी कि हैंक हॉल अब होली ग्रेंजर को मार चुका था और उसका दिल निकाल कर वो कहता है, इसका गुस्सा तो कुछ अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि तुम उससे अच्छा टेस्ट करोगी। और वो डव की तरफ यानी कि डॉन ग्रेंजर की तरफ हमला करता है और वो आसानी से उसके हमले को डॉज कर जाती है। और अभी भी वो कुछ फील नहीं कर रही थी, इस वजह से उसका कलर स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ सफेद था। जिस पर हैंक कहता है, मैंने तुम्हारी बहन को मारा है, कुछ तो फील करो, रेज, फियर, लव, कुछ तो। और वो उसे उकसाते हुए कहता है, जब डॉन मरी तब मैं गुस्से से भर चुका था, लगता है तुम होली से उतना प्यार नहीं करती जितना मैं डॉन से करता था। और इतना सुनते ही वो हैंक को मारने लगती है। दूसरी तरफ होली जो कि मर चुकी थी, वो अब धीरे धीरे रैस हो रही थी। और जैसे ही हैंक को लेकर डव नीचे गिरती है तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है सिस्टर। और वो देखती है होली ग्रेंजर जो कि अब राइज हो चुकी थी, वो उसके सामने खड़ी थी। और दोनों हॉक यानी के हैंक हॉल और होली ग्रेंजर दोनों ही डव पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ टाइटन टावर्स पर अपने बच्चे से छुटकारा पाकर डोना ट्रॉय कहती है, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती। जिस पर टेरी कहता है, तुम हमें हर्ट कर भी नहीं सकती। और वो दोनों ही उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते है, लेकिन तभी किड फ्लैश आकर उसे उसके रूम से बाहर ले आता है और वो कहता है कि उस पर किसी बच्चे और किसी आदमी ने अटैक किया था, मैं दोनों को पहचान तो नहीं पाया। और तभी हम उनका कलर स्पेक्ट्रम देख रहे थे कि फियर, विल और होप से भरा हुआ था। और वो दोनों ही देखते हैं कि डोना ट्रॉय के नेक पर एक निशान बन चुका था और वो निशान धीरे धीरे बढ़कर डोना ट्रॉय को अपने कब्जे में ले रहा था। यहाँ पर टाइटन टावर्स के बाहर विक अपने उन ख्यालों में खोया हुआ था जो कि वो जीना चाहता था साइबॉर्ग बनने से पहले। यहाँ पर उसे देखकर स्टारफायर कहती है, विक फ्रोजन किस वजह से हुआ है, लगता है कि वो किसी ट्रैप में फंस चुका है। जिस पर ओमेन उसे बताती है वो अभी उस दुनिया में है जहाँ पर उसे होना चाहिए, वो इससे बेटर वर्ल्ड में है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके
स्टारफायर को भी उन दिनों में पहुंचाती है जहां पर वो खुश थी, जहां पर वो शादी करने वाली थी। या दूसरी तरफ टारा अब फिर से हील हो चुकी थी और वो हील होते ही कहती है तो मैं कहां पर थी। और जब वो पूरी तरह से हील हो जाती है तब वो टाइटन्स टावर को पूरी तरह से जमीन के अंदर धसा देती है, जिसे देखते ही उसके अंदर खड़ा बार्ट कहता है यहाँ पर कुछ तो अजीब है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आनी ही होती तो उसकी वाइब्रेशंस सबसे पहले मुझे महसूस होती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और तब हम देखते हैं कि पूरा टाइटन टावर जमीन के अंदर जा चुका था। यहाँ पर वॉशिंगटन में डव से दो दो हॉक लड़ रहे थे, लेकिन वो अभी भी कुछ फील नहीं कर रही थी और वो अपने दोस्तों से मदद मांगने के लिए वहां से उड़कर दूसरी तरफ चली जाती है, जिसका पीछा दोनों हॉक यानी कि हैंग कॉल और होली ग्रेंजर कर रहे थे। टाइटन टावर में वंडर गर्ल बार्ट से कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, जिस पर बार्ट यानी कि किड फ्लैश कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस अनस्टेबल एनवायरनमेंट में अगर मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो हम सभी खतरे में पड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों ट्रॉय होश में आती है तभी उसका बेटा और टेरी उसे पुकारते हैं, जिस पर वंडर गर्ल उससे पूछती है कि जो नन्ना शैतान तुम्हें पुकार रहा है वो कौन है। जिस पर वो बताती है वो मेरी फैमिली है, लेकिन फैमिली नहीं सिर्फ उनकी बॉडी है, वो मेरा बेटा है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उसने मुझे काटा है। और तभी वो अचानक से डर से कराने लगती है और वो दोनों जब उसे देखते हैं तब वो ब्लैक लैंटर्न बनने वाली थी। यहाँ पर टार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो कोरी और विक से कहता है कि इससे लड़ो, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इस पर ओमेन कहती है वो तुम्हें सुन भी नहीं सकते और वो तुम्हें सुनेंगे भी नहीं, वो यहाँ से बेटर प्लेस में है। जहाँ पर टारा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है वो प्लेस जो हमने तुम्हारे बारे में सोचा था। इस पर टारा से वो कहता है तो तुम अपना असली चेहरा कब दिखाओगी, यही सही वक्त है। इस पर वो हंसते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, और वो वक्त अब आने वाला है जिसका इंतजार मैं कई दिनों से कर रही थी। वो वक्त आ ही गया जब मैं टाइटन्स को मार पाऊँ, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है तुम्हारे कहने का मतलब होगा हम है ना। और तभी हम देखते हैं कि बाकी बच्चे ब्लैक लैंटर्न्स वहां पर आ चुके थे जो वहां पर कह रहे थे हम सभी एक साथ मिलकर टाइटन्स को मारेंगे। और इसके साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।